जिला फिरोजाबाद के टूडला स्थित CMS कॉलेज कैंपस में महापुरुष चौधरी मुल्तान सिंह की 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें दूर दूर से आए चौधरी साहब के अनुयायियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके महान कार्य को याद किया। मानव अपने जीवन में अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे महान कार्य कर जाते हैं जिन्हें लोग सदियों तक भूल नहीं पाते हैं। दिनांक 23 सितंबर को ऐसे ही एक महापुरुष की पुण्यतिथि देखने को मिली, जिन्होंने कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार में गरीब और किसानों के लिए समय समय पर संसद में आवाज उठाई और वे उसी समय से कहे जाने लगे किसानों के मसीहा। इस अवसर पर उनके बड़े बेटे डॉक्टर JS यादव एवं एडवोकेट यदुनाथ सिंह यादव ने अपने पिता को याद करते हुए उनके महान कार्यों को याद किया। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष उनकी समाधि स्थल पर दावत भी होती है, जहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और उनके महान विचारों को सुनते हैं। उनके अनुयायियों का कहना है कि ऐसे महापुरुष कभी कभी अवतार लेते हैं। मैं डॉक्टर JS यादव हूँ। मैं स्वर्गीय चौधरी मुल्तान सिंह, जिनकी आज 31वीं पुण्यतिथि है, उनका बेटा हूँ और आज हम सब लोग यहाँ क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं आज उनको याद करने के लिए। मेरे पिता स्वर्गीय चौधरी मुल्तान सिंह 4 बार विधानसभा के, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य और 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में इतने काम, किसानों के बारे में इतनी चर्चा लोकसभा और विधानसभा में की, जो कि आज तक किसानों के चुने हुए प्रतिनिधि, किसानों के वोट से चुने हुए प्रतिनिधि कतई नहीं कर पाते। जलेसर लोकसभा क्षेत्र से जो वो पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, उस समय जलेसर जाने के लिए, जलेसर जो कि बड़ा औद्योगिक नगरी है उत्तर प्रदेश की, वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मानिकपुर जलेसर रोड स्टेशन उतर के और एक कंकर की सड़क होते हुए जाना पड़ता था और आज जलेसर 12 सड़कों से जुड़ा हुआ है, जो शायद देश में इतना छोटा शहर इतनी बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके जाने के बाद में जो भी सरकारें आई, जो भी जनप्रतिनिधि आए, वो उन सड़कों की मरम्मत भी नहीं करा पा रहे, वो टूटी फूटी पड़ी। ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। खेत खलिहान ग्रह गरीब किसान मजदूर संघ, गरीब दलित मजदूर किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान श्याम भैया चौधर दादा मुल्तान सिंह यादव गरीबों किसानों के मसीहा तुल्य, उनका उसी प्रकार भगत हूँ जिस प्रकार किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह का भगत हूँ और गुरु अटल बिहारी वाजपेयी गरीबों के मसीहा का राजनीतिक शिष्य हूँ पगड़ी देने वाला। और बड़ा सौभाग्य हुआ मुझे दादा मुल्तान सिंह यादव की पुण्यतिथि में शामिल होने का। मैं दद्दा को कब से जानता हूँ, कहाँ से जानता हूँ, वो उससे पहले बड़े दद्दा जो डॉक्टर साहब हैं और छोटे दद्दा जो वकील साहब हैं और उनके पोता हैं, वो अपने घर से जानते हैं, न जाने कितना जानते होंगे, लेकिन मैं गांव-गांव से जानता हूँ, घर घर से जानता हूँ और खेत खलियानों से जानता हूँ, नहर बम्मा तालाब और पाताल तो नलकूप और ट्यूबवेलों से जानता हूँ और गरीब किसान मध्यवर्ती किसानों की जुबान से जानता हूँ। दद्दा को धर्म और कानून के खिलाफ 2 बार वोट दे चुका हूँ, जबकि 1 बार ही वोट देने का अधिकार है। दद्दा मुल्तान सिंह जी जब सादाबाद में लोकसभा की सीट को संबोधित कर रहे थे तो ताऊ देवीलाल जी ने कहा था कि इन बेईमानों ने, कांग्रेस के बेईमानों ने खजाना खाली कर दिया और हम लोग गरीब हो गए हैं और हमारा दद्दा मुल्तान सिंह गरीब है और भारी बहुमत से जिताना दद्दा मुल्तान सिंह जी को। तो मैं भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। हाँ, तो दद्दा को मैं जबी से नहीं, उस पहले चुनाव से भी ज़्यादा जानता हूँ और दद्दा के हमेशा साथ रहूँगा और साथ रहूँगा। दद्दा के बारे में क्या कहना चाहते हो? अरे गरीब किसानों की गरीबी दूर करे, अरे गरीब किसानों की गरीबी दूर कर और खेत खलियानों की गरीबी पास कर, यही राष्ट्रवादियों का नारा है। गरीब फामरे वाला भारत किसान पूरी दुनिया का इजारा है और राष्ट्रवादियों का प्यारा है। जय हिंद, जय भारत।